पत्रकार बंधु बहनों को भगवान शिव की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। जब किसी घटना को घटने का समय आता है तो वो किसी एक दिशा का चुनाव करता है। भगवती सीता का जब अपहरण हुआ था तो रावण जब लंका से आए थे और भगवान श्री राम ने रामेश्वरम में भगवान शिव की स्थापना की थी, तो आज भी जो सनातन धर्म को समाप्त किया जाए इस प्रकार का उद्बोधन भारत के संविधान की शपथ लेने के बाद एक राज्य के मंत्री के द्वारा बार बार उसको कहा जा रहा कि हम इस पर अडिग हैं, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है और इसमें हम सब लोगों ने मिल करके इसका विरोध किया है। आज का जो समय है, भारतवर्ष का जो वर्तमान संविधान है उसको सभी समुदाय सभी संप्रदाय के लोग मानते हैं। सनातन अपने आप में सूर्य से पैदा हुआ है, जब तक सूर्य है तब तक सनातन रहेगा। ना सनातन को कोई नष्ट कर पाया है, अगर ये उनकी सोच है तो ये उनकी मूर्खता है, अज्ञानता है। बहुत साल तक यहाँ विधर्मियों ने क्षेत्र विशेषों में राज्य की स्थापनाएं की, केंद्रीय सरकार भी बनी, कुछ समय अंग्रेजों का भी शासन रहा। हम लोग ना कभी नष्ट हुए, हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया और वो ऋषि परंपरा भारत की जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है संसार की तब से चल रही है और सनातन धर्म भी तब से ही चल रहा है, तो ये उनका भ्रम है। अब इसमें वर्तमान व्यवस्था में, क्योंकि लोकतंत्र में भारत एक गणराज्य है, अनेकों राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार है, सबके अपने अपने मत हैं, हम लोग कभी किसी धर्म विशेष के प्रति या संप्रदाय विशेष के प्रति कोई भी ऐसा वक्तव्य या भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं जिससे उस समुदाय या उसके इष्ट को मानने वाले लोगों को कोई ठेस पहुँचे, और दूसरे लोगों से भी हम ये आशा करते हैं कि वो उसका पालन करें। अन्यथा शंकराचार्य के द्वारा जो दिग्विजय अभियान चलाया गया था, जब संपूर्ण भारतवर्ष में दुष्ट और भ्रष्ट तांत्रिकों का बहुमत हुआ, उसको समूल नष्ट करने के लिए अखाड़ों की स्थापना हुई थी, और आज भी जैसा स्वामी जी ने कहा, लाखों की संख्या में साधु महात्मा भारत के सभी राज्यों में रहते हैं, तमिलनाडु राज्य में भी हैं। उसके लिए अगर कोई भी स्थिति आती है सनातन के ऊपर, तो हम लोग माला के साथ में भाला उठाने की भी क्षमता रखते हैं, और लेकिन संविधान के दायरे में रहते हुए अगर सनातन धर्म की व्याख्या को उन्होंने पढ़ लिया होता तो शायद वो ऐसा नहीं कहते। पूर्व काल में उनके दादाजी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व पर और राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था, हम लोगों ने उस समय विरोध किया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसको हमने मनवाया और बाद में उन्होंने उसको स्वीकार किया। तो अगर कोई व्यक्ति सनातन के अस्तित्व को कहता है कि मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, उसको नष्ट कर दिया जाए, तो ये उसकी मूर्खता है। और हम लोग साम दाम दंड भेद जैसी भी परिस्थिति होगी उसके अनुसार संविधान के दायरे में रहते हुए उससे निपटने के लिए हम लोग सक्षम हैं। मीडिया बंधुओं के माध्यम से यही संदेश मैं उनके पिताश्री को देना चाहता हूँ कि एक राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, अपने पुत्र को सुयोग्य शिक्षा देनी चाहिए। भाषा और शब्दों का चयन करते समय हमें किसी समाज की उपेक्षा ना हो, उसकी भावना को ठेस ना पहुँचे, ऐसे शब्दों के चयन से उन्हें बचना चाहिए। पुनः एक बार आप सब लोगों का यहाँ पधारने के बाद